एमपी पुलिस भर्ती दो यहाँ, कहीं एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, बिल्कुल एमपी पुलिस भर्ती दो, ये प्रयास करो। जितने मैसेज आप यहाँ कर रहे हो उतने के उतने मैसेज अगर आप ट्विटर पे कर दोगे ना तो बिल्कुल भर्ती भी आ जाएगी और सरकार के कानों तक बात भी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जितने भी मेरे साथी ये जो देख पा रहे हैं अपना ट्विटर अकाउंट जरूर रखें। आज के टाइम में यूँ समझ लो कि जो सरकार के पास फेसबुक वगैरह से कोई नहीं सुनने वाला, ध्यान रखना। प्रयास करो, ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर अपनी बात आप बिल्कुल सरकार तक पहुँचा सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर आप लोग बिल्कुल जो भी कैंपेन एमपी पुलिस से रिलेटेड चल रहा है आप उसमें भागीदार बन सकते हैं सब लोग। कि आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा विनोद, विनोद बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था कि नहीं, हर जगह विनोद विनोद, लोग बाग जानना चाह रहे थे कि ये विनोद क्या है, ये ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा था। ये एक तरीके की मास स्पैमिंग हो रही थी। ये मास स्पैमिंग क्या है कि लोग बाग जा रहे थे अलग अलग यूट्यूब वीडियोस पर और विनोद विनोद कमेंट करके आ जा रहे थे। अब सब लोग कह रहे थे ये विनोद क्या है, विनोद क्या है, विनोद क्या है, जबकि विनोद तो कोई एक टॉपिक भी नहीं था। वो टॉपिक कितना चर्चा में आ गया, जब चर्चा में आ गया इसी तरीके से हमको भी अपने टॉपिक को चर्चा में लाना है, तब सरकार पर असल दबाव बढ़ेगा बनेगा। आप लोगों को क्या मास स्पैमिंग करनी है, एमपी पुलिस भर्ती दो, इसकी मास स्पैमिंग करनी है। मास स्पैमिंग क्या होता है कि आप किसी भी वीडियो पे जाएं, चाहे वो वीडियो अमित भडाना का हो, चाहे वो लल्लन टॉप का हो, चाहे वो बीबी की बाइंस का हो, चाहे वो ट्रेंडिंग में चल रही हो कोई भी पिक्चर, चाहे वो किसी भी व्लॉगर का वीडियो हो, वहां जाके आपको लिखना है एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, ये बार बार लिखना है आपको जाके। क्या लिखना है, एमपी पुलिस की भर्ती दो। सब लोग कहेंगे जो व्लॉगर्स होते हैं वो डेली वीडियोस बनाते हैं, वो देखेंगे अच्छा एमपी पुलिस की भर्ती हमसे क्यों मांग रहे हो, हमसे क्यों मांग रहे हो, और ये चीज एक मुद्दा बनेगी, समझ रहे हो ना। और जब चीज लोगों के जहन में जाती है, अभी क्या हो रहा है पता है, अभी मुख्यमंत्री जी ने एनआरए का अलाप रागना चालू कर दिया। अब जिन लोगों के घर में बेरोजगार नहीं है उनको ये लग रहा है ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, अद्भुत है, बच्चों का कल्याण करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी छवि बना ले रहे हैं अच्छी। उनको लगता है ये बेरोजगार कुछ नहीं है, 100-200 बच्चे हैं और चिल्लाते रहेंगे, इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट पे कुछ भी करते रहें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब मंत्री विधायक नेताओं को ऐसा ही लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि अभी तक हमने उनकी बुराई और उनकी सच्चाई जनता के सामने लाना शुरू नहीं किया है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एमपी पुलिस भर्ती किसी भी, अभी जैसे मान के चलिए ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है बीबी की बाइंस का, वहां जाओ और सीधे लिखना चालू करो कमेंट में, 10-15 कमेंट हर वीडियो पे डालो, वीडियो को देखो चाहे मत देखो, लिखो एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो। तो जब ये लिखा जाएगा तो ये सब लोग भी चर्चा करेंगे, अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे चर्चा करेंगे ये क्या है, फिर वहां पे चर्चाएं होंगी, न्यूज में भी आने लगेगा। विशेष तौर पर आप लल्लन टॉप पर जाइए, ठीक है, विशेष तौर पर आप लल्लन टॉप पर जाइए और वहां पर लिखिए एमपी जी एमपी पुलिस भर्ती दो। तो लल्लन टॉप वाले क्या बहुत तरीके से एक वीडियो विश्लेषण के सहित बनाते हैं, ज्यादातर न्यूज चैनल में देखता हूं कि वो बच्चों की बात को समझ नहीं पाते, इस तरीके के रिपोर्टर नहीं है जो बातों को सही तरीके से समझ के सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए, लेकिन वो आपकी बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको मास स्पैम कीजिए, न केवल यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर भी। फेसबुक पे मान के चलिए आपके चाचा जी ने कोई पोस्ट करा है और आप नीचे कमेंट में लिख दो एमपी पुलिस भर्ती दो, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप पागल हो गए हो, लगना चाहिए कि आप पगला गए हो। सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब तक हमारा आंदोलन 4 सितंबर को है भोपाल में, वहां तो मजा आ जाएगा, 10-15 हज़ार की भीड़ पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, लेकिन 4 सितंबर तक पूरे देश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर देना खतरनाक टाइप का माहौल। क्या होगा, कुछ दिन पहले आपने देखा था एक नाम स्पैम हो रहा था, उसका नाम था विनोद। हर कोई पूछा विनोद है कौन भाई, क्या है विनोद। अब जो भी वीडियो देखेगा व्यक्ति, चाहे कोई वीडियो देखेगा, हमारे भदौरिया सर ने इस बात की शुरुआत की है, जो भी वीडियो देखेगा, कहीं की वीडियो देखे, इंस्टा फेसबुक कहीं भी, किसी से बात कर रहे हो अचानक बोल दो एमपी पुलिस भर्ती दो, हैशटैग एमपी पुलिस भर्ती दो, समझेगा भाई मुझसे क्यों मांग रहे हैं, मतलब पागल हो जाना चाहिए भैया कि हो क्या रहा है, उसको समझना चाहिए एमपी पुलिस भर्ती दो, कुछ तो वजह है। पूरी जगह पर जो भी टीवी चैनल देखो एमपी पुलिस भर्ती दो, किसी का चाहे कोई भी मजाक वाला चैनल देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, 2-4-10 कमेंट पेल दो एमपी पुलिस भर्ती दो, फेसबुक में लिखो एमपी पुलिस भर्ती दो, कहीं भी पूरे देश में एक ट्रेंडिंग चला दो, जहां भी देखो टिक करो एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो।
मतलब इतना चला दो ट्रेंडिंग, जितनी वीडियो को देखो, जहां भी देखो, कोई भी वीडियो, कोई भी फेसबुक, कोई भी इंस्टाग्राम, कहीं भी किसी भी फोटो के नीचे कोई मॉडल की फोटो देख रहा है उसके नीचे लिख दो एमपी पुलिस भर्ती दो, वो भी सोचे कि पागल है क्या, मैं सरकार थोड़ी हूं एमपी पुलिस भर्ती दो, अरे पागल समझ रहा है। अगर कहीं कोई मजाक की वीडियो बना रहा है उसे बोलो एमपी पुलिस भर्ती दो, क्या कर रहा है यार, ठीक है। मतलब जहां देखो, मतलब पागल कर दो, इसको मास स्पैमिंग कर दो, समझ में आए उसके क्या है एमपी पुलिस भर्ती, पागल हो जाए। ललन टॉप की वीडियो हो, वीवी गांस की वीडियो, किसी की वीडियो जहां पाओ वहीं डालो एमपी पुलिस भर्ती दो। बात चले राम कथा की, एमपी पुलिस भर्ती बोर्ड, बात चले मस्जिद कथा की, एमपी पुलिस भर्ती दो, बात चले किसी की भी बात, किसी की कहीं की भी बात चले, बोल दो एमपी पुलिस भर्ती दो। बिहार वालों को डालो एमपी पुलिस भर्ती दो, क्योंकि हमसे क्यों मांग रहे यार, छत्तीसगढ़ हमसे कुमार है, तेलंगाना कर्नाटक कोई वीडियो, कन्नड़ कोई वीडियो उसके नीचे डालो एमपी पुलिस भर्ती दो, हैशटैग एमपी भर्ती दो, पागल हो जाएगा, बोले कि क्या क्या रहे हैं, मजा आ जाना चाहिए, पूरा ट्रेंडिंग मजा आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, हर जगह चाहे ट्विटर फेसबुक कहीं पे, बस हैशटैग एमपी पुलिस भर्ती दो, किसी से ही मांगने लगो कि पागला गए क्या, पागल कर दो, बिल्कुल पागल कर दो, इतना माहौल क्रिएट कर दो कि पूरा देश जानने को आतुर हो जाए, पूरा मीडिया सोचे है क्या ये। अब मीडिया जब सोचेगी तो समझ में आ जाएगा 4 अक्टूबर कुछ होने, 4 सितंबर कुछ ना कुछ होने वाला, इसलिए एमपी पुलिस भर्ती दो। ठीक, चलो टेक केयर, ले लो।